मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूतां यातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। ध्यान का प्रकरण कल हमारा पूर्ण हुआ, जिसमें ध्यान का स्वरूप, ध्येय का स्वरूप, ध्यान का फल, ध्यान का स्वामी, चार बिंदुओं पर हमने पूर्ण चर्चा की। विशेष बात इतनी सी है, धर्म ध्यान में जितना काल लगता है उससे संख्यात गुणा काल शुक्ल ध्यान का कहा है। विशेषता इतनी सी है बस, बाकी तो पूरी चर्चा हमने की है। तीन सूत्र अपने बचे हैं, नवे अध्याय के समापन में। बैठो बैठो, लंबा सूत्र है 45वां, इसको देखना है। कठिन भी है थोड़ा, महत्वपूर्ण भी है, और इसमें थोड़ा सा बाधा भी है। बाधा मतलब समझने में कुछ डिफिकल्टी भी उत्पन्न होती है, हमें तो उत्पन्न नहीं होगी, जो नए जीव है उनको तो उत्पन्न होती है, भ्रमित होते रहते हैं। पहले हम सूत्र देखते हैं क्या है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत विजयो विसंयोजक, ए क्या शब्द है वो पढ़ो पूरा, अनंत वियोजक लिखा है ना, ठीक है, अनंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपक, उपशमक, उपशांत मोह क्षपक, क्षीण मोह जिना, क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, ये सूत्र चलेगा। यह 10 बातें इन्होंने गिनाई हैं। असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान यहां से गिनाए जा रहे हैं। क्या बोला मैंने, असंख्यात गुणी निर्जरा के, आगे आ जाओ आयुष, आ जाओ आगे, अच्छा विषय चलेगा, मजबूत है थोड़ा विषय। असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए जा रहे हैं। स्थान क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है, यहां पर भाववाची संज्ञा है। भाव मतलब पर्याय, जैसे हमेशा मैं कहता हूं भारतवर्ष, यहां पर वर्ष, ये कोई कालवाची संज्ञा नहीं है, क्षेत्रवाची संज्ञा है। हर जगह वर्ष कालवाची संज्ञा नहीं होती, उसी प्रकार हर जगह स्थान ये क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं होती। जैसे हिंसा आयतने निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, हिंसा के आयतनों का त्याग करो। आयतन मतलब कोई स्थान की बात नहीं है वहां पर, भावों को स्थान बोला जा रहा है। गुणस्थान भी ऐसा ही एक स्थान है, कोई लोकेशन नहीं है प्रॉपर, ये किसके नॉर्थ में खड़ा ये स्थान, कोई पाकिस्तान जैसे कोई स्थान होगा। तो यहां पर भी ये 10 स्थान बताएंगे असंख्यात गुणी निर्जरा के। क्रमशः असंख्यात गुणा बढ़ता हुआ दिखाएंगे। महत्वपूर्ण बात मैं पहले बता दूं आपको, दो प्रकार की निर्जराएं होती, एक गुण श्रेणी निर्जरा और एक असंख्यात गुणी निर्जरा। उनका स्वरूप थोड़ा समय पहले बता दूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर लगेगा। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब यह है, गुण मतलब होता है मल्टीप्लाई, हालांकि असंख्यात गुणी में भी है तो मल्टीप्लाई है, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा में क्या होता है, पहले समय में कुछ निर्जरा हुई, मान लो 2 डिग्री निर्जरा हुई, तो दूसरे समय में 4 डिग्री हुई, फिर तीसरे समय में 8 डिग्री, ये अपन ने तो स्क्वायर रूप करते चलो, आप 2 करो 4 करो 16 करो 2 5 6 करो, बढ़ते जाओ आगे। इसको हम गुण श्रेणी निर्जरा कहेंगे।
और असंख्यात गुणी निर्जर इतना ही है कि वो मल्टीपल फैक्टर निश्चित है उनका, असंख्यात से मल्टीप्लाई करते जाना, ये इस रफ्तार से निर्जर होगी आपकी। आप समझ रहे सब? ये दो प्रकार की निर्जरा मैंने कही, गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा। ज्यादा तो गहराई केवल ज्ञान गोचर है, मैं तो यहां पर कुछ विशेष बात कहूंगा। पहले तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 232 पेज खोलेंगे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टियों के निर्जरा नहीं होती, ठीक है, और उनका यह कहना है कि धवल में तक लिखा है कि कर्मों के असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण व्रत है, सम्यक दृष्टियों को निर्जरा नहीं होती ऐसा कहना है। संवर होता है कह रहे उनको, संवर होता है निर्जरा के लिए तपश्चर्य निर्जरा, तप मुनियों को होता है, निर्जरा मुनियों के ही होगी, गुप्ती समिति सब निर्जरा के जितने भी हेतु वहां पर गिना है सब मुनियों के होते हैं, बोले इनके कहा होता है ये सब, आप सब समझ रहे हैं। तो देखिए आधार के रूप में वे भी पेश करे तो ये भी पेश कर सकते, 232 मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंद भी बहुत होता है। पकड़ लिया आपने? निर्जरा नहीं इस शब्द की तरफ मेरा पूरा संकेत है। वे लोग ऐसा बोलते हैं, यहां पर लिखा है ना, बोले और क्या तुम चाहते हो, 210 पेज भी खोल लीजिए, दो सौ नौ का अंतिम लाइन, वहां पर भी आपस में कोरिलेट करके डाल सकते हैं आप, जिसका निजी मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो वो एक दूसरों को कोरिलेट करके डाल सकते हो, हूबहू चर्चा। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, मिल रहा है वही चर्चा है सेम, उसके भी आश्रय बंध अधिक है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं, मिल रहा है सबको ना, कितने जन को मिल गया जो मैंने पढ़ा अभी अभी, अब सोनगढ़ वाले हो क्या इसलिए तो, अरे 209 की अंतिम लाइन, 210 का पहली लाइन नहीं है क्या इसमें, थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस हुआ होगा यहां पर है ही नहीं, क्या बात कर रहे, मिल रहे, चलो ठीक है, दोनों में 210 की चौथी लाइन, 210 की चौथी लाइन मेरे इसमें पहली है, जयपुर स्टैंड्स फर्स्ट। चलो देखो क्या लिखा है यहां पर, तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रय बंधाधिक है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। इन दोनों कथनों का साम्य और वैषम्य क्या है यह अर्पित जी बताएंगे। बोलो भाई क्या नाम है तुम्हारा? आदिश, तुम बताओ, नाम से कोई मतलब नहीं मुझे, नहीं क्या, नहीं काय के लिए आए भैया फिर, बोलो स्वर्णिम साम्य क्या है, जो लोग ये कहते हैं सम्यक दृष्टियों के निर्जरा नहीं होती वे ये भी आधार दे सकते, टोडरमल जी ने लिखा आपके 232 पेज पर कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा नहीं होती, और 210 पर क्या पढ़ा, तो देखिए वो सामान्य कथन था, ये विशेष कथन आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं निर्जरा नहीं होती ऐसा मत बोलो, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, तो निर्जरा और गुण श्रेणी निर्जरा कोई अलग अलग है क्या? हाँ अभी बता रहे, और एक बात समझना, गुण श्रेणी निर्जरा भी नहीं ही होती ऐसा भी नहीं है, इसमें तीन स्तर है, औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिसमें क्षायिक सम्यक्ति के निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, औपशमिक सम्यक्ति के औपशमिक सम्यक्ति के उत्पादन के काल में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, मात्र जिस समय में उपशम सम्यक्ति करेंगे, प्रथम उपशम हो द्वितीय उपशम हो, पूरे अंतर्मुहूर्त काल है औपशमिक सम्यक्ति का, पूरे अंतर्मुहूर्त में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं चलेगी। ए, ए, नोट करो फटाफट,
ये कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, अब लिखो फटाफट इसको। मैं ये कह रहा हूं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि के प्रतिपल गुण श्रेणी निर्जरा होती है, औपशमिक सम्यक्ति के उत्पादन काल में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, पूर्णांतर मुहूर्त में नहीं होती उसके। इससे भी बात फलित होगी, औपशमिक की अपेक्षा क्षायिक के कुछ विशुद्धि ज्यादा है, तभी तो यह फर्क दिख रहा है। और क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी के गुण श्रेणी निर्जरा सर्वथा ही नहीं होती। एक बात को मुझे फलित कराना है, जो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती जो कहते हैं, वे तो अभी बहुत धोखे में है, क्योंकि भाई साहब वो तो गुण श्रेणी की अपेक्षा बात है। लेकिन जो गुण श्रेणी को भी सर्वथा लगाते हैं, वे भी अभी बहुत धोखे में है, क्योंकि भाई साहब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, वो तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी की ही बात है मात्र। कितने जन ने बात को पकड़ा, वेरी नाइस। मुझे बहुत उत्साह आनंद आता है आपका उत्साह देखकर, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत भारी विषय है ना, ये कोई आत्मा की बात नहीं, आप आधी आंखों से भी सुनो या आंखें बंद करके भी सुनो तो हजम हो जाए। ये गुण श्रेणी निर्जरा का मैटर क्लोज। ध्यान रखना, यहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा की चर्चा चलेगी, और असंख्यात गुणी निर्जरा तो भाई साहब उसमें कोई सा भी सम्यक तो हो, क्षयोपशमिक भी हो, इसकी मना नहीं है, असंख्यात गुणी निर्जरा है उसकी। ये अभी यहां से बात फलित होने वाली है। मनन समझ रहे मेरी बात को? वो जो अभी का जो था मैटर, वो गुणी श्रेणी निर्जरा का था। मैंने दो तीन बातें कही थी, जो लोग ये कहते हैं चौथे गुण स्थान में निर्जरा नहीं है, वे बहुत भ्रम में है, वे ये नहीं समझते वो गुण श्रेणी निर्जर की अपेक्षा वो कथन था, हमारे टोडरमल जी का भी और जिनवानी में भी। और फिर गुण श्रेणी निर्जरा भी सर्वथा ही नहीं होती ऐसा जो कहते, वे भी ब्रह्म इसलिए है, वो भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा कथन था। इसका मतलब ये हुआ, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के अलावा क्षायिक सम्यक्त्व के और औपशमिक सम्यक्त्व के उत्पादन के काल में गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है, और तो और आगे चलो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के भी निर्जरा तो होती है, गुणी श्रेणी नहीं होती हो, असंख्यात गुणी निर्जरा तो उसके भी होती है, ज्ञातव्य बात यह है। प्रकरण चलेगा, अभी सूत्र पढ़ूंगा तो मैं और खुलासा करूंगा। मैं पहले इर्द गिर्द में इसलिए घूम रहा हूं, आपको इसकी महिमा है हर प्रकार से। मैं तो बहुत देख देख कर आया हूं सब, मैं तो 1.5 घंटे से पूरा अध्ययन भी कर रहा हूं इसका, रात में भी थोड़ा विषय देखता रहा, और आज अभी नहीं, पहले भी सब सेटिंग महीने पहले ही मैं सब नोट किया रहता हूं, कौन से प्रकरण में मुझे कहां पर कितना समझाना है। अभी पहला टर्म यहां पर देखे, 10 स्थान गिनाएंगे, सम्यक दृष्टि 1, श्रावक 2, विरत 3, अनंत विजयोग वियोजक 4, दर्शन मोह क्षपक 5, उपशमक 6, उपशांत मोह 7, क्षपक 8, क्षीण मोह 9, जिना 10, 10 स्थान है ये, क्रमशः बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर में है ये। इन अपना ऐसा करो ना, 10 को एक लाइन में खड़े करो, इसको भी आप चाहो तो दिखा सकते हैं स्टेज पर ड्रामेटिकल रूप में। अरे ऐसा किसी को पता नहीं रहती ये बातें, और ऐसे विद्वान है अधिकांश अपने यहां 90%, उनको तो किस चिड़िया का नाम है आगम और तत्वर सूत्र, ये दरकार भी नहीं उनको खोलने समझने की, समझाने की तो बहुत दूर का ऐसे विषय है तो एकदम उनके लिए। अरे छोड़ 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 छोड़, ये किस बहाने अपन स्टेज पर प्रेजेंट कर सकते हैं उसको। सबसे पहले टर्म यहां पर रखा है सम्यक दृष्टि, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच सम्यक तो ही बिलोंग्स टू। सार्वक्षमिक सम्यक तो भी क्यों ना हो, निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, सामान्य निर्जरा नहीं, वो निषेध है, वो गुणी श्रेणी निर्जरा का निषेध है। अंतरंग दौपेज गुण श्रेणी का, असंख्यात गुण निर्जरा का, वो मैंने आप पहले बोल दिया, केवल ज्ञान गोचर है। दीदी से भी बात हुई, कोई पार नहीं लग रही है उसकी, केवल ज्ञान गोचर ही बात है वो। सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणी निर्जरा बोल रहे हैं 10 स्थान में, फिर उससे असंख्यात गुणी श्रावक, उससे असंख्यात गुणा विरत, विरत मतलब मुनि, असंयत देश संयत संयत, अविरत देश विरत विरत, तीनों को असंख्यात गुणी ऑर्डर में कर दिया। ओके,
ये पकड़ रहे सब, अभी इतने को भी आगे अभी तत्काल के लिए इतना पचाओ, आज के आगे इसकी भी मिट्टी पलित करेंगे। और जो हम आज तक कहते आए टोडरमल जी की वर्डिंग, देखो टोडरमल जी जो लिखते हैं ना, अभी अभी जो कह रहे थे, चौथे गुणस्थान में अपने स्वरूप का चिंतन करता है उसका आश्रय बंध अधिक गुण श्रेणी निर्जर नहीं, पांचवे छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य के चिंतन से भी आश्रय बंध थोड़ा गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा होती रहती है कह रहे, इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि 232 पर यहाँ पर लिखा ना क्रम ऑर्डर दिया उन्होंने, आपको याद होगा मुनि राज आहार भी कर रहे उनके निर्जराधिक, ये पहले तीन का क्रम वहां पर टोडर मंजी ने डाल दिया। कितने जन पकड़ रहे इस बात को, और आगे जाकर ये बहुत कोलैप्स होने वाली है ये बिल्डिंग, क्योंकि आपके दिमाग में जैसी बिल्डिंग खड़ी हुई है सचमुच वैसी नहीं है वो बिल्डिंग। आपने क्या बिल्डिंग सेट करी, चौथा गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा पांचवे की, पांचवे से असंख्यात गुणी छठवे की, ऐसा आपने सेट किया सबने दिमाग में। टोडरमल जी के उदाहरण से भी ऐसा ही झलक रहा है, प्रथम दृष्टि सबको ही ऐसा ही झलकेगा, लेकिन आगे बहुत बड़ी आंच कहाँ आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो यही तक चलेगा। अभी प्रश्न पहले विचारने ये हो गया, ये भी बहुत आनंददायी बात है। प्रश्न ये पूछा, असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान आप बोल रहे हो, पहला स्थान आपने सम्यक दृष्टि बोला, असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि को किससे मल्टीप्लाई करना, किससे असंख्यात गुणा, सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुण निर्जरा कह रहे किससे, टू होम ही शुड बी कंपेयर टू, प्रश्न ये है। ये तो समझ में आता है, फिर आगे का मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं ना, कार्तिक से दुगुने मार्क आदिश के, आदिश से दुगुने मार्क अर्पित के, अर्पित से दुगुने मार्क देवेश के, दुगुने दुगुने एंड सो ऑन हो गए, सबको पता चल गया। अब मैं जा रहा हूं, सब पता चल गया, आदिश के भर कार्तिक के भी तो मार्क पता चले, तभी तो फिर सबके पता चलेंगे। सम्यक दृष्टि से सम्यक सबके असंख्यात निर्जरा पकड़ में आई, लेकिन आपने सम्यक दृष्टि को जो असंख्यात निर्जरा कही वो किससे असंख्यात गुना, तो क्या उत्तर है मालूम इसका, पंचलब्धि में से गुजरता हुआ जीव, जयसेन स्वामी की टीका के शब्दों में बोलिए कोई, 80वीं गाथा की टीका प्रवचन सार, शुद्धात्म भावना शुद्धात्म भावना अभिमुख बलेना, याद आ रहा है अभिमुख शब्द पढ़ा था, टुवर्ड्स आगम भाषया बोलो क्या लिखा था, अपूर्वकरण अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, आगम भाषा में ऐसा बोल रहे थे, अध्यात्म भाषा में वैसा बोल रहे थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको। बस वो पांच लब्धि में से गुजरता हुआ जीव जब करण लब्धि के पैच में आता है, करण लब्धि में भी अधक करण अपूर्व करण पार करके अनिवृत्ति करण में खड़ा है, उससे कंपेयर करना है आपको। तो असंख्यात गुना मल्टीपल तो लगाना पड़ेगा ना, किससे, तो कह रहे उससे, मतलब एक बात फलित हो रही बिल्कुल स्पष्ट, जो ये कहते हैं साहब चौथे से निर्जरा नहीं होती, मैं उनको कहता हूं बिल्कुल सही है साहब आपका, चौथे से थोड़ी ना होती, वो तो चौथे के और पहले से ही चालू होती है, ये आधार है ना उसके लिए, आधारशिला है ये। और बहुत बात हुई अभी हमारी तो 2-3 महीने पहले, बेनाडे जी ने स्वयं 2-3 जगह ऐसे लिख रखा, और जब भाई साहब ने उनसे बात करी तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने भाई साहब से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अपना अपना पढ़ो, स्वयं उन्होंने लिख रखा है, यहां पर तो एक जगह लिखा अपूर्वकरण से में ही अपूर्वकरण से मल्टीप्लाई करना है वो, ऐसा लिखा है एक जगह, और एक जगह लिखते हैं अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय से, तो अपूर्वकरण से तो बात ज्यादा कितनी जचे, लेकिन लेकिन अनिवृत्तिकरण तक बात आएगी तो अपूर्वकरण को भी हैंड ओवर होना ही पड़ेगा, वो भी लपेट में इसलिए आएगा क्योंकि निर्जरा अपूर्वकरण से असंख्यात गुणी वहां पर बोली थी अनिवृत्तिकरण में, और अपूर्वकरण तक बात आएगी तो फिर पीछे और चली जा सकती है अधकरण में, और पीछे नहीं जाएगी लेकिन अभी, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में एक ट्विस्ट पड़ता है शोषण मुख्य रूप से, कुछ केवल ज्ञान गोचर जो अभव्यों को नहीं हो सकते, ये ट्विस्ट समझ रहे हैं आप सब, वो हमारे बुद्धि गोचर नहीं है, और फिर करण लब्धि के बाद भी एक ट्विस्ट पड़ेगा जो बहिर्मुख परिणाम से अंतर्मुख आने का बात है, प्रायोगिक लब्धि के बाद एक ट्विस्ट पड़ेगा,
और करण लब्धि के बाद भी एक ट्विस्ट पड़ेगा, वो ट्विस्ट पर वो ट्विस्ट नहीं करना जानता, अभव्य करण लब्धि तक इसलिए नहीं आ पाता। ठीक है, पहली बात मैंने बताई, सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती हो, किससे? ये तत्व निर्णय में इतनी ताकत है, देखो तत्व विचार की महिमा। टोडरमल जी ने भी लिखा 9वें अध्याय में, हमारे मोह आदि सब बोलो क्षीण होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, उसकी पावर डाउन होती जाती है। यहां पर तत्व विचार करे जिस समय तत्व दृष्टि क्या है, कर्म थर थर कांपते। अपर तो विचार ही करो तो विचार में इतनी ताकत है, ऐसे वे बोल रहे। वो तो सम्यक तो का अधिकारी है, व्रत तप आदि से युक्त जीव तत्व विचार विहीन हो वो तो सम्यक तो का अधिकारी नहीं। श्रावक उससे असंख्यात गुणी विरत को ले ली। आगे बढ़ना है, तीन स्थान हमारे हुए, इसका अभी भी ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? है भैया कुछ इलाज करो तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, मुझे इसमें जो मुझे कहा ना कि आगे कोलैप्स होने वाली है बिल्डिंग ये, क्योंकि हमने जो इमेजिन किया है सचमुच वैसा ही नहीं है, अर्ध सत्य ही बात है। देखो आगे पढ़ते, विरत से असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक, अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विष योजना वाले के असंख्यात गुणी निर्जरक है। किसकी अपेक्षा? विरत की अपेक्षा। हो गई कोलैप्स बिल्डिंग, कैसे कोलैप्स हो गई? एक जगह मुनि को खड़ा करो अभी, और एक जगह चौथे गुणस्थानवर्ती को खड़ा करो। जिस समय चौथे गुणस्थानवर्ती अनंतानुबंधी की विषय योजना करता हो उस समय में उसकी मुनि से अधिक निर्जरा होती है, अधिक असंख्यात गुना। हो गई कोलैप्स बिल्डिंग, मतलब हमने जो गुणस्थान का स्तर लगाया था गया, वो तो वॉश कह रहे है चौथे में। लेकिन मुख्यतः इसकी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि थोड़े काल के लिए होगी ना, अनंत अनुबंधी की विसर्जना अंतर्मुहूर्त के लिए हो गई, तो उतने पार्ट का यदि हिस्सा उठाया जाए उतना ही अंश। बोले अरबपति है कोई, आज सब फैक्ट्रीज बंद है संडे के होने के कारण, और उस दिन वो भेलपुरी बेचने वाला 200 रुपए कमाए, तो आज के दिन की इनकम तो उसकी ज्यादा है भेलपुरी वाले की, उसको कौन गिनता है एक हद दिन के लिए। अनंत अनुबंधी की विषय योजना में विरत की मुनि की अपेक्षा भी असंख्यात गुणी निर्जरा कही है उतने काल के लिए। पकड़ रहे सब? अनंत अनुबंधी की विषय योजना क्या है मैं पहले आपको यह बताऊं, सक्षम क्या बात है? अनंत अनुबंधी का द्रव्य जब अप्रत्यक्षावरण प्रत्यक्षावरण और संज्वलन रूप संक्रमित हो जाता है उसको विसंयोजना कहते हैं। ध्यान रखना 148 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी ही की विसंयोजना होती है, यह भी संक्रमण ही है, सभी संक्रमण विसंयोजना नहीं लेकिन विसंयोजना संक्रमण ही है, लेकिन यह विशिष्ट संक्रमण है। ऐसा संक्रमण है कि संक्रमित हुआ सत्ता में से पूरा ही खत्म होता है एज गुड एज क्षय, और बहुत टाइम तक विसंयोजित बना रहता है और फिर काल पाकर फिर उदय में आ सकता है एज इट इज बिना सत्ता के। ये थोड़ी इसकी विशेषता है। चलना है आगे, ये विसंयोजना का अर्थ मैंने बताया, ये लॉजिक थोड़ा समय देता हूं ऐसा क्यों होता होगा। देखिए लॉजिक भी सब नोट करते रहिए आप, लॉजिक इसका ये है, देखो जहां जहां त्रिकरण परिणाम होता है वहां वहां पर विशेष निर्जरा होती है। त्रिकरण कहां कहां पर होता है? ए अमन तुम्हारा पेपर अच्छा रहता है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है लेकिन क्लास में ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मुझे पेपर में मार्क देने का भाव नहीं होता तुमको, और ना नोट करते हो तुम कभी कुछ, बहुत रेयरली नोट करना तो तुम्हारा काम ही नहीं है। त्रिकरण परिणाम जहां पर होता है वहां पर विशेष भावों की विशुद्धि हुई तो विशेष निर्जरा भी होती है, और त्रिकरण परिणाम कहां कहां पर होते हैं ये भी समझ लो। एक तो प्रथमोपशम के काल में, द्वितीयोपशम सम्यक्त के काल में, क्षायिक सम्यक्त के काल में, क्षायिक चारित्र के काल में, अनंत अनुबंध की विषय योजना के काल में। क्या क्या बोला? अगेन अगेन
प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत अनुबंध की विषय योजना, पांच के काल में त्रिकरण होता है। त्रिकरण वहां पर होता है जो होने के बाद एक सरी का स्वरूप सभी जीवों का होता है। क्षायिक सम्यक्त्व तो सबका टटोल एक सरी का ही मिलेगा, क्षायिक चारित्र सबका एक सरी का मिलेगा। जिसमें समानता नहीं होती, विषमता होती है, उसमें त्रिकरण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 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 एक सार्वभौमिक सम्यक्त्व, इसमें त्रिकरण नहीं होते, दो करण होते हैं। अभी मैं और बताऊंगा। अधकरण, अपुरुकरण, इनाफ, अनिवृत्तकरण की आवश्यकता नहीं। चलमलागाड़ वाला है, और चलमलागाड़ के कारण भिन्नता भी बहुत नाना जीवा नाना लब्धि हो जाता है। दो करण इसमें चलेगा क्षयक्षमिक सम्यक्त्व में। इविन क्षयक्षमिक चारित्र है, दो करण, तीसरा करण नहीं होता इसमें। एक बात और, पहले गुणस्थान और तीजी साधी मिथ्या दृष्टि जिनकी सात प्रकृति सत्ता में है, उसके चौथे में आए, पांचवें में आए, सातवें में आए, विथ क्षयक्षमिक सम्यक्त्व दो करण होगा। लेकिन निरंतर फ्लक्चुएशन वाला हो, छिन्माही आगमाही, छिन्माही पानीमाही, देशे हो, बिना करण के ही होता रहता है ये सब। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही है, फिर से मैं कह रहा हूं, कभी त्रिकरण भी होते हैं, कभी दो करण होते हैं, कभी एक करण होता है। त्रिकरण वहां पर होते हैं, मैंने पांच केसेस कहे। नोट कितने जन ने करी है? हाहा कहकर काम नहीं चलेगा, नोट करो और डायरीज आपके साथ घर पर लेके जाना, एट अ ग्लांस आपको सब कुछ मिलेगा। ये त्रिकरण पांच स्थानों में वहां पर मिलते हैं कि जहां पर समानता होगी फिर परिणामों की, जहां पर परिणामों की समानता नहीं होगी विशेषता पाई जाती है। क्षयक्षमिक सम्यक्त्व, क्षयक्षमिक चारित्र, वहां पर त्रिकरण नहीं होते, दो करण होते हैं। किनको मैं बोल रहा हूं? बहुत काल बीत जाए, पहले गुणस्थान में है। बहुत काल मतलब इतना भी नहीं कि पल्ले के असंख्यात्व भाग गुजर जाए तो प्रथम ऑप्शन लेना पड़े, लेकिन काफी टाइम गुजर जाए तो फिर दो करण तो होंगे। लेकिन जो छिन्माही आगमाही पानीमाही वाला है उसकी हालत नहीं है, उसके बिना करण के ही वो सीधा आता रहेगा बार बार क्षयक्षमिक सम्यक्त्व में, और क्षयक्षमिक चारित्र भी लगाना वो भी लगाना। पकड़ रहे सर मेरी बात को? स्वर्णिम यू आर पेल टुडे, पेल टुडे, पेल समझते हो? नहीं, नहीं समझते हो, पेल नहीं समझते हो तुम, पी एल ई नहीं समझते? अच्छा, ड्राउजी, ड्राउजी समझते हो? बहुत तकलीफ है आप लोगों का, इंग्लिश मजाक नहीं करो, बिल्कुल कुछ ही नहीं है। हमारा स्कूल तुमको देखना था, ऐसा तामझाम नहीं था, खैर उसमें ऐसा तामझाम बिल्कुल नहीं रहता था, और चू चू की तो बात ही नहीं करते थे वहां पर कोई भी। आई वॉन्ट यू गो देयर, ऐसा नहीं रहता था, ऐसा मोड सीधा सीधा बोलते थे, लेकिन एकदम स्टैंडर्ड, दर्जा एकदम ऊंचा, बहुत डेडिकेटेड टीचर्स। चलो, ड्राउजी मीन्स ग्लूमी। ग्लूमी में भी दिक्कत है क्या तुमको? मतलब नॉट फ्रेश, नास्ती फर्क समझ में आता है, परिचित की तरफ से अप्रोच है। चलो ठीक है, आज जैसे हमेशा फ्रेश रहते, आज फ्रेश नहीं है क्या? ये कहना है, क्या कारण है? अच्छा, इसीलिए देखो, मैंने बराबर पहचान लिया, मैंने और किसी को नहीं पूछा, और ये बहुत शार्प रहता है मेरी क्लास में, बहुत। अब इसको ये वन नंबर दो तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी, इतना शार्प रहता है, फटाफट बोल देता है, अच्छी पकड़ रखता है। आज थोड़ा ढीला है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो क्या कह रहा हूं, सार्वश्रमिक समय तो सार्वश्रमिक चारित्र, और संयम असंयम भी जब होता है त्रिकरण नहीं होता, ये भी इसमें नोट करके डाल दो, क्योंकि वह भी सार्वश्रमिक भाव है। कुल मिलाकर एक निष्कर्ष पर हम पहुंच जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए, जो औपशमिक भाव हो और जो क्षायिक भाव हो उसके होने में त्रिकरण होता है, जो क्षयक्षमिक भाव हो उसके होने में द्विकरण अथवा
बिना करण के भी काम हो सकता है। पकड़ रहे हैं सब बात? मैं इतना क्या बात है, साक्षिमित भाव में त्रिकरण तो होगा ही नहीं, द्विकरण तक ही वह स्थिति है, और स्थिति बनेगी तो बिना करण के भी काम हो सकेगा वहां पर, केवल औपशमिक शायक भाव के लिए ही त्रिकरण का परिणाम है। ओके, अभी अनंत अनुबंधी की विसर्जन तो टोटली फैक्टर अलग है, उसको ऑप्शन में डाले कि वो क्षय में डाले कि उसको डाले किसमें, वो तो फैक्ट्री अलग है, उसको भी इसमें डाल देना, किसमें, त्रिकरण वाले के लिए। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं, वैसे आपको लग रहा होगा ये बहुत ऊंची बातें बताते, क्यों बता रहा हूं ये, अनंत अनुबंधी की विसर्जना भाई साहब चौथे गुण स्थान में स्थित जीव भी असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है, मुनि की अपेक्षा भी, वो भ्रम का निवारण होना चाहिए, गुणस्थान के अनुसार निर्जरा वाला मैटर। तो अनंत अनुबंधी की विसर्जना होती कब है आप जानते हैं? अनंत अनुबंधी की विसर्जना होती कब है? अनंत अनुबंधी की विसर्जना द्वितीयोपशम सम्यक्तु के सन्मुख हो या क्षायिक सम्यक्तु के सन्मुख हो, दो केसेस में ही होती है। है तो वो भी पार्ट शैवशमिक सम्यक्तु का, खरे खर शैवशमिक सम्यक्तु का पार्ट है वो, लेकिन शैवशमिक सम्यक्तु के काल में अनंत अनुबंधी की विसर्जना करता है वो या तो द्वितीयोपशम सम्यक्तु के लिए करेगा या क्षायिक सम्यक्तु के लिए। भारी पड़ रहा है, अभी अभी इस पर स्ट्रेस देता हूं। देखो आपने एक बात पढ़ी होगी, क्षायिक सम्यक्त होने के लिए दो त्रिकरण होते हैं गाइड में, तत्वज्ञान भाग दो की गाइड वो पढ़ लेना आप, वहां पर दिया एक पेज पर चौथे गुण स्थान के अंतर्गत औपशमिक क्षौपशमिक क्षायिक सम्यक्त का वर्गीकरण करके दिया है, याद है? मैंने पूरा पिछले साल लिया है, ये आठवीं वालों को लिया है, अभी जो नाइन्थ में हूं उनको, तो मैं कहना इतना ही है मुझे अभी। तो वहां पर लिया है कि औपशमिक सम्यक्त के एक त्रिकरण होता है, क्षयक्षमिक के लिए त्रिकरण नहीं होता, और ऐसा लिखा क्षायिक सम्यक्तु के लिए दो बार त्रिकरण होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं, प्रथम उपशम को एक त्रिकरण होता है, ये तो सब समझते हैं, करण लब्धि पूर्वक गुजरता हुआ। अभी क्षयक्षमिक सम्यक्तु में खड़ा है कोई, क्योंकि क्षयक्षमिक दृष्टि ही तो आखिर क्षायिक सम्यक्तु होगा, तो क्षायिक सम्यक्तु होने के लिए अनंत अनुबंधी की विसर्जना करना जरूरी है, उसको चरित्र मोह को मैनेज करने के लिए और दर्शन मोह को मैनेज करने के लिए उसकी क्षपना करना जरूरी है, दर्शन मोह की दो काम उसको करने हैं। तो अनंत अनुबंधी विसर्जना करने के लिए एक करण त्रिकरण करता है, फिर अनंत अनुबंधी की विसर्जना कर लेता है, फिर दूसरा त्रिकरण करके फिर क्षपना चालू करता है, मिथ्या तो चेंजेस इंटू सम्यक मिथ्या तो, फिर सम्यक मिथ्या तो चेंजेस इंटू सम्यक प्रकृति, ये दो बार त्रिकरण उसने किया। पकड़ रहे अभी लोग आप? हर्षिल पकड़ रहे, किसकी तरफ मुड़ के देख रहे तुम? सब आ रहे, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? साधर्मी वात्सल्य तो होना अच्छी चीज है, सब आए तो है। हर्षिल को हमेशा लगता है भाई सब लाभ ले बराबर, इसका कोई चूक तो नहीं रहे इससे, इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है। अच्छा ही है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है तुमको। चलो ठीक है, विसर्जना को मैं इतना खोल रहा हूं, अनंत अनुबंधी की विसर्जना क्षायिक सम्यक्त के काल में होगी, ये मैंने बोला। और जिनको द्वितीयोपशम सम्यक्त भी करना होना, एक बात तो पक्की नक्की है कि चलमल अगर दोष वाला तो ऊपर नहीं जाएगा। हाउ फार वुड ही गो सो फार, नहीं टिक पाएगा वो, तो उसको या तो औपशमिक सम्यक्त जाएगा या तो क्षायिक औपशमिक सम्यक्त जाएगा, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त जाएगा। द्वितीयोपशम होने के लिए फिर अनंत अनुबंधी की विसर्जना चाहिए, ध्यान रखना। प्रथमोपशम के लिए अनंत अनुबंधी की विसर्जना जरूरी नहीं है, द्वितीयोपशम इज मोर पावरफुल देन प्रथमोपशम सम्यक्त, ऑब्वियसली होगा, उसमें तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका काल भी अधिक पड़ेगा, इसलिए इसमें नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। अनंत विजयोग वियोजक ऐसा बोले, विसंयोजक मतलब सम, ये उन्होंने हटाकर बात रखी है, सम जो क्या कहते हैं उपसर्ग, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह का क्षपक, ये भी समझ लो। आगे अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कब हो सकती है, गुणस्थान बोलो,
अनंत अनुबंध की विसर्जना कब संभव है? चौथा से लेकर सातवां तक। अभी छठा तो बीच में आ रहा है, अब कैसे स्थिति बनती होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चौथे से सातवां कहते हैं। चौथा पांचवा और सातवें में तो किसी को ही बाधा नहीं अनंत अनुबंध की विसर्जना होने में। इसीलिए जहां जहां अनंत अनुबंध की विसर्जना संभव है वही वही पर क्षयिक सम्यक तो संभव है। जहां जहां क्षयिक सम्यक तो है वही वही क्षयिक सम्यक तो संभव है। इसीलिए क्षयिक सम्यक तो चौथे से लेकर सातवें तक कहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्षयिक सम्यक तो यही पर होता है, चौथा पांचवा छठवा सातवां। कितने जन ने बात को पकड़ा? ठीक है दीपक, क्या जा रहा है? वह 5,000-5,000 कमा रहे, समझ रहे क्या? पैसा मिल गया क्या? पैसा मिल गया क्या? बाई टू हिस्सा हो गया क्या? उसको आधा देना है कि नहीं? चलो सुनो सुनो, देखो दर्शन मोक्ष पक्ष, दर्शन मोह की जो क्षपना करने वाला है मैं भी चौथे गुण स्थान वर्ती, वो अनंत अनुबंधी की विसर्जना करने वाला सातों गुण स्थान वर्ती होगा ना, उससे भी ज्यादा निर्जरा असंख्यात गुणी निर्जरा चौथे वाला क्षयिक सम्यक तो क्षपना के काल में करता है। दर्शन मोह क्षपक, क्षपना करने वाला, नहीं तो क्षयिक सम्यक लिख देते ना सीधा, ओनली वो क्षपना के काल में। पकड़ रहे? आगे बढ़ते, उतना अंतर्मुहूर्त का पैच उठाना पड़ेगा। आगे फिर उपशमक, इससे असंख्यात गुणी निर्जरा उपशमक, मतलब आठवा नौवा दसवा गुणस्थान, इसको कहेंगे उपशमक, ऑन द वे टू अचीव। तो इनको ऑब्वियसली एक गुणस्थान के हिसाब से भी लगाए तो पूर्व की अपेक्षा इनके विशेष निर्जरा है। ठीक है, ना हो क्षयिक सम्यक कदाचित, लेकिन श्रेणी चढ़ता उपशमक हो तो उसको असंख्यात गुणी निर्जरा होगी उस काल में, जिस काल में श्रेणी चढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपशमक से भी असंख्यात गुणा उपशांत हो, ग्यारहवें गुणस्थान वर्ती, झंडा गाड़ दिया उसने, भले अभी उखड़ने वाला है लेकिन थोड़ी देर के लिए गाड़ दिया, तो वो ग्यारहवें गुणस्थान की निर्जरा असंख्यात गुणी हो गई। ठीक है, इसको हो सकता है इसका कुछ एक पिक्चर में हमको लाना है सब तत्व ज्ञान। कैसे लाएंगे? स्टेज शोज के माध्यम से, और स्टेज शोज एक सशक्त साधन है सामने लाने के लिए कोई भी चीज, क्योंकि लोग उसको बहुत चाव से देखते हैं। ठीक है, अब कैसे लाना वो आप लोग समझ लो। उसे असंख्यात गुणी निर्जरा किसको बोल रही है? क्षपक को। अभी पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, कोई ग्यारहवें गुणस्थान में खड़ा जीव है और कोई आठवें गुणस्थान में खड़ा जीव है। अब हम ऐसे लगते हैं लगाते रहते हैं गुणस्थान के अनुसार निर्जरा होगी, या पर क्या कह रहे हो? क्षपक के निर्जरा उपशांत मोह की अपेक्षा असंख्यात गुणी ज्यादा है कह रही है, गुणस्थान नीचे होने पर भी। अभी यह बात तो दूसरी है, उपशांत उपशमक आठ गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा असंख्यात गुणा तो असंख्यात असंख्यात गुणा तो क्षपक आठ गुणस्थान वर्ती की निर्जरा होगी, ये तो कौन मना कर रहा है इसको? लेकिन मैं ऊंची बात कर रहा हूं और, लेकिन क्षपक आठ वाले की निर्जरा ये ग्यारहवें वाले की निर्जरा से असंख्यात गुना है, गुणस्थान नीचे होने पर भी। स्थूल कथन हमारा चलता रहता है गुणस्थान के अनुसार निर्जरा होगी, इतनी पावर दिखा रहे यहां पर। असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान हुए, आगे बढ़ो। क्षपक फिर उपशांत मोह, फिर क्षपक हो गया, फिर क्षीण मोह, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा बारहवें गुणस्थान वर्ती के कहीं क्षीण मोह, चलना आगे। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिना, कौन जिना ये पाकिस्तान वाला? ये जिना कैसा नाम है देखो उनका भी, ये
कौन से जिन की बात कर रहे होंगे, कौन सा लोकेट करना पड़ेगा, लोकेट प्रॉपरली, मुंबई से तुम्हें ये चीज काम करना है, मुंबई में से तो लोकेट करो मुंबई में से, ये मुंबई का एन सर्कल पर्टिकुलर पार्ट होटल ताज एन सर्कल, उड़ाना काय के लिए तुमको, सुनो। उसी प्रकार अब कौन सा पॉइंट लोकेट करना चाहेंगे जिना में से, आप बताएंगे। हमेशा एक बात कहता हूं कि तेरे गुणस्थान में भी कौन सा पॉइंट लोकेट करना, तेरे गुणस्थान तो सब समझ रहे हैं, तेरे गुणस्थान में भी निर्जरा पूरे गुणस्थान में नहीं लेना, तेरे गुणस्थान का बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, इसमें तो अंतिम पॉइंट इसीलिए लेंगे जब तीसरा शुक्ल ध्यान करेगा। रोजाना अपनी चर्चा चल रही थी अभी अभी, ध्यान मैंने कहा तो वहां पर नहीं होता, निर्जर वहीं पर होगी और कुछ फल होना चाहिए ना उसका, तभी तो निर्जर उपचार भी बनेगा। हालांकि तो उपचार ही चल रहा है निर्जरा का, लेकिन उपचार भी किसकी तरफ, निर्जरा की तरफ चल रहा है। तो निर्जर मतलब काय की निर्जरा होगी, तो कहते क्या होगा फल, क्या होगा तो फल यह होगा योग का अभाव होगा, तो वो तो कह सकेंगे तेरे गुणस्थान के अंतिम पार्ट में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति के काल में, जब सूक्ष्म का योग का अभाव होता है तब, तब का वो पार्ट लेना वो असंख्यात गुणी निर्जरा। पकड़ रहे आप लोग, यहां पर तो और खोला है वर्णी जी ने, उन्होंने तो ऐसा भी लिया है कि ये जो तेरे गुणस्थान वर्ती अपन कहते हैं ना, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उन्होंने जिना के भी दो भेद करके डाल दिए, एक संयोग केवली अयोग केवली 11 स्थान बना दिए, तो ऐसे हो गए फिर संयोग केवली से भी असंख्यात गुणा 14वें के लगा लेना अंत पार्ट में, वो भी संबंध निर्जरा का, ये क्यों हम बोलते, तो वो भी ले लिया। हालांकि किसी ने टीकाओं में ऐसा लिया नहीं है, उन्होंने जिना कहकर छोड़ दिया है तत्वर सूत्र की समस्त टीकाओं में, थोड़ा इन्होंने वर्णन किया है, इन्होंने भी थोड़ा वर्णन किया होगा। चलिए देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है, समुद्घातगत स्वयोग केवली एवं 14वें गुणस्थान स्थित अयोग केवली मुनिराज 10वां स्थान दे दिए इसको, किसको 10वां स्थान, असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें वाले को भी ले दिया, और 13वें में भी किसको लिया, समुद्घातगत जिनको समुद्घात हो गया है, आ गए घूम घाम के, अब वो होगा अंतिम अंतर्मुहूर्त होगा, अभी तीसरा शुक्ल ध्यान चलेगा, वो स्थिति ली इन्होंने, पकड़ रहे चाहे जो नहीं लेना। अभी देखिए मुझे तो पूरा करना है ना आज ये सूत्र, अभी महत्वपूर्ण पैच चलेगा आज कल परसों, कल और परसों के भी जो सूत्र आएंगे ना 46 और 47 वे भी बहुत ऐसे क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट कहने की अपेक्षा क्रिटिकल, मतलब उसका अर्थ प्रॉपरली नहीं समझा जाता, दावपेच है बहुत, और टीका पढ़ने पर भी तुरंत पकड़ में नहीं आता, तो कल परसों और चलेगा। अभी इसमें तो और एक महत्वपूर्ण बात कहने की थी, क्या कहना था वो भी भूल गया, असंख्यात गुणी निर्जरा का क्या इंपॉर्टेंट बात रही, देखिए अभी यहां का तो पढ़ के दिखा रहा हूं मैं बस, इन सभी 10 स्थानों में उत्तर उत्तर गुण श्रेणी निर्जरा के लिए असंख्यात गुणा द्रव्य प्राप्त होता है, किंतु आगे आगे गुण श्रेणी का काल असंख्यात गुणा हीन हीन है, अर्थात चतुर्थ गुण स्थान के गुण श्रेणी निर्जरा के अंतर्मुहूर्त काल से श्रावक का काल संख्यात गुणा हीन है। पकड़ रहे आप लोग सब, ऐसा भी बोल रही है, पर श्रावक की निर्जरा सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुना अधिक है, ऐसे ही आगे जानना चाहिए, यह भी जानना चाहिए कि हाँ इसको इसको लेना था, आ गया अभी देखो चार निर्जरा को फिर से आज खड़ा करो, कौन सी, मैंने 6वें अध्याय में तत्वर सूत्र में काफी लिया था इसको, अभिपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, देखिए
मैंने ये कहा था तब अविपाक और सुविपाक निर्जरा बोलो कर्म की तरफ से है, पुद्गल निर्जरा की तरफ से, अजीव निर्जरा, सकाम और अकाम निर्जरा ये भाव की तरफ से, जीव की तरफ से है। ये जो निर्जरा आज हमने पढ़ी, ध्यान रखना और एक बात, जो भाव निर्जरा तत्व है सात तत्वों में भाव निर्जरा, वो सकाम निर्जरा वाली निर्जरा है, वो अविपाक निर्जरा वाली निर्जरा है, सविपाक निर्जरा नहीं है वो। और आज जो हमने 11 स्थान पढ़े हैं वे अविपाक निर्जरा, जो भाव निर्जरा से युक्त होती है, सकाम निर्जरा से युक्त होती है, वो वाली निर्जरा की चर्चा है। ये कोई सविपाक निर्जरा, उसमें कोई भाव कारण नहीं होता सविपाक निर्जरा में, इसलिए भाव निर्जरा तत्व नहीं है वो। द्रव्य निर्जरा भी उसको बहुत उपचार से कहेंगे, अपने अपने समय पर आकर खिर रहे, उसमें क्या, निज काल पाए विधि तासो निज का जन सरना। ये इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, हो गया है ये सूत्र। कोई प्रश्न है किसी को कुछ इसमें? ठीक है, ओम नमः।